राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान जल शक्ति विभाग के नैना देवी मंडलीय कार्यालय का कोठीपुरा में उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं जल शक्ति विभाग का कार्यालय बनने के बाद से स्थानीय लोगों को पेयजल संबंधी समस्याओं के लिए बिलासपुर का रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सिकंदर कुमार ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा नैना देवी सम्मेलन में शिरकत की, जहां मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सिकंदर कुमार ने कहा कि वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनने में सबसे बड़ा योगदान अनुसूचित जाति वर्ग का रहा है और इस बार मोर्चा के सम्मेलनों में 20% ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ी है, जिससे साफ होता है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में भी ये वर्ग भाजपा की दोबारा सरकार बनाने में मुख्य भूमिका अदा करेगा और इस बार सरकार नहीं बल्कि रिवाज बदलने के नारे को साकार करेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं नीरज शर्मा जी को, जिनके प्रयासों से आज यहाँ की जनता को ये जो नया डिवीजन खुला है उसका सबको लाभ मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 4.5 साल से जो सरकार है, और केंद्र में चाहे प्रदेश में है, इस तरह के विकासात्मक कार्य जो है वो गति पे चल रहे हैं। और अभी 4-5 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और एम्स की आप बिलासपुर वालों को और पूरे हिमाचल वासियों को, और उसके बाद हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे आईआईटी की बात हो, ट्रिपल आईटी की बात हो, चाहे पिंजौर नालागढ़ 4 लेन शिलान्यास की बात हो, लगभग मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश का इस बार का जो बजट है वो 40,279 करोड़ है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल को दिया है वो लगभग 9600 करोड़ बनता है। तो लगभग 26% हिमाचल प्रदेश के बजट का केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को तोहफा दिया है। इसकी मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 1.5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन विकासात्मक कार्यों को देखते हुए जनता में भारी उत्साह है और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः जो है प्रदेश में रिपीट करेंगे। देखिए 2017 में इस मोर्चा की अहम भूमिका रही थी, चाहे संगठन हो चाहे सरकार, सब ने माना था कि अगर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इस मोर्चे का अहम योगदान रहा था और 2022 में इससे ज़्यादा योगदान इस मोर्चे का रहने वाला है, क्योंकि 2017 में जो सम्मेलन हुए थे उससे 20% ज़्यादा जनता जो है इन सम्मेलनों में आ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे प्रदेश का मैंने प्रवास किया है और उसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि इस मोर्चे की अग्रिम भूमिका पुनः भारतीय जनता पार्टी की